और उधर कानपुर की अगर बात करें तो यहां कारोबारी की पत्नी की हत्या कर डीएम कंपाउंड में दफनाया गया। ये खबर जो कि सनसनी हिला देती है। 4 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जिम ट्रेनर ने गुनाह की बात कबूल की है। अवैध संबंधों के एंगल से भी पुलिस जांच करेगी। पुलिस ने कहा है कि कारोबारी की पत्नी और जिम ट्रेनर के बीच संबंध थे और दोनों के बीच झगड़े के बाद आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप उस महिला को देख पा रहे हैं जिसकी हत्या की गई, ये वो उसकी आखिरी वीडियो है जिसमें वो जिम में एक्सरसाइज के बाद वहां से निकलती हुई नजर आ रही है। 4 महीने पहले इस महिला की हत्या कर दी गई थी। तमाम ऐसे सबूत, तमाम जो चीज़ें हैं वो भी बरामद की गई थी। 25 जून का वो वक्त भी था जब वो कार भी बरामद की जाती है, कुछ सामान भी बरामद किए जाते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को बंद कर देती है। पुलिस की कार्यशैली पर भी इस तरह से सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों नहीं पुलिस ने इस मामले में आगे तफ्तीश की। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला खुलता है उसके बाद एक सनसनी से फैल जाती है। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम तिवारी, ये कहानी पूरी फिल्मी लगती है और ये समझ नहीं आता है कि पुलिस को जब पहले ही इससे मुतालिक तमाम चीज़ें बरामद हो चुकी थी, वो गाड़ी जिसमें वो कत्ल किया गया, वो तमाम चीज़ें, तो फिर आगे पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश क्यों नहीं बढ़ाई? देखिए, पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है कि जिस तरीके से महिला गायब हुई, जिम से गायब हुई, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया और पति ने सीधा आरोप जिम ट्रेनर पर लगाया था कि उसने प्रोटीन पाउडर में कोई नशीला पदार्थ महिला को खिला दिया और उसके बाद उसे लेकर के फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने बड़ी हल्की तरीके से अपनी तफ्तीश शुरू की, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पुलिस ने जिम ट्रेनर की कार बरामद की तो कार में उसे 2 सिम कार्ड के स्लॉट बरामद हुए। इसके अलावा टूटा हुआ महिला का क्लेचर बरामद हुआ। इसके बाद भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश की दिशा को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इसे प्रेम प्रसंग का एक मामला मान करके इसमें शिथिलता बरती। पुलिस के अधिकारियों का उस वक्त कहना यह था कि दोनों लोग अपनी मर्जी से फरार हो गए हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने मोबाइल के सिम कार्ड हटा दिए हैं जिससे कोई उन्हें ट्रेस ना कर सके। लेकिन अचानक जैसे जिम ट्रेनर पुलिस के हाथ लगा है और उसके साथ पिछले 3 दिनों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। नहीं तो श्याम तिवारी, महिला के पति ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, तब पुलिस ने क्या उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? या पुलिस ने प्रेम प्रसंग का मामला बताकर या आपस में दोनों के संबंध बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश? बता दें कि जब देखिए, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जब पीड़ित परिवार गया था पुलिस के पास तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज सौंपे गए, तमाम आरोप लगे, तो कुछ दिनों बाद इसे अपहरण में दर्ज कर लिया गया। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता नहीं बरती। ग्रीन पार्क तक उनकी जाँच सीमित रह गई। ग्रीन पार्क के आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए। उसके बाद जब कार बरामद हो गई और कहीं ना कहीं जिस शख्स की कार थी उससे गंभीरता से पूछताछ नहीं की गई और पुलिस उसके बाद ये कहने लगी कि दोनों ही लोग दिल्ली चले गए हैं और जिम ट्रेनर वहां पर कहीं पर काम करने लगा है, वहां पर जिम पर काम कर रहा है और पुलिस उसे ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस दौरान 4 महीने गुजर गए। हैरानी की बात है कि 4 महीने गुजर गए लेकिन पुलिस जिम ट्रेनर के पास पहुंच नहीं सकी। अचानक से जिम ट्रेनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसका कहना यह है, जो पुलिस ने दावा किया, पुलिस को उसने बताया, वो ये है कि उनके दोनों के बीच में कार के अंदर कहासुनी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि और वो कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत यहां तक आ गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।